देवयानी, तू यहाँ क्या कर रही? यही तो मैं आपसे पूछने वाली थी, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे? भाभी, आदित्य भाई जी। अरे तू यहाँ अकेले क्या कर रही है इतनी रात में अकेले? और भाई कहाँ है? इतना गौरव भैया और भाभी आ गए। देख सब ठीक हो जाएगा, संभाल के। भाभी आपने बताया नहीं गौरव भैया ने आपको देख के क्या कहा? मैंने कोई शौक नहीं था थारे साथ ब्याह करने का, मजबूरी में किया मैंने यो सब। थारे से भी पहले मैं किसी और से रिश्ता बढ़ा चुके हूँ, सांस मारी आज भी उसी की सांस में अटकी। क्या हुआ भाभी? मैंने कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। बहुत अकेला बैठ लिया तू, और ये क्या बात हुई भाभी को वहां अकेला छोड़ के? यहां इतनी रात को तू अकेला बैठा है, ये कोई बात ना हुई भाई। कोई प्रॉब्लम है तो हमारे से डिस्कस कर। मुझे लगता है कि गौरव भैया आपको वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप थी। इन छोटी मोटी लड़ाइयों से गुजर के तो एक प्यारा सा रिश्ता बनता है। मैं जानता हूं कि गौरव भैया आपसे कितना प्यार करते हैं। आप हैं इतनी प्यारी, एकदम परफेक्ट। और देखना वो इस लड़ाई के लिए आपसे जल्दी माफी मांगेंगे। सो रिलैक्स, सब कपल्स में फाइट होती है और इससे प्यार और मजबूत होता है। चल अब घर चल, भाभी राह देख रही होगी। चल आजा। बस मम्मी जी, अब मन्ने यूं ही जानना है कि आखिर वो कौन है जिसने गौरव जी के ऊपर यूं दबाव डाला मारे से शादी करने का। क्या है मम्मी जी, मन्ने आपसे पूछा था तो आपने मन्ने यही बताया था कि गौरव जी की जिंदगी में कुछ भी ऐसा वैसा ना था। फिर हमारे परिवार में से ऐसा कौन हो सके जो जो गौरव जी के ऊपर दबाव डाले? मम्मी जी प्लीज बताओ ना, मन्ने मन्ने जानना है।